उत्तर प्रदेश की सीतापुर रोड होते हुए एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां का अद्भुत नजारा देख दंग रह जाएंगे। यहां पर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का गजब का मेल देखने को मिलता है। एक तरफ भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाले और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी अचंभे से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम के बारे में। यहाँ पर 2.5 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ वट वृक्ष किसी शानदार किले से कम नहीं है। ये वट वृक्ष जो कि 2.5 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, इस वृक्ष की परिक्रमा करने पर ऐसा एहसास होता है कि मानो किसी किले के स्तंभों को पार कर रहे हैं। 2.5 एकड़ की जमीन को घेरे हुए एक सिर्फ एक ही वृक्ष है जो कि इतना विशाल है जिसे पहली बार देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई पेड़ होता है। यहाँ पर जमीन को छूती हुई पवित्र वृक्ष बरगद की लंते जो कि धरती में समाकर फिर से वृक्ष का रूप ले चुकी है। इस एक पेड़ की अनगिनत शाखाएं हैं जो चारों तरफ जाल की तरह फैली हुई है। अब अगर इतिहास की बात करें तो सवाल उठता है कि आखिर इसे हरिवंश बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है और कौन है ये हरिवंश बाबा? ये अक्षयवट वृक्ष कितने साल पुराना है? ऐसा बताया जाता है कि ये अक्षयवट वृक्ष करीब 250 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में पुजारी कोमलानंद बताते हैं कि पड़ोस के मंझी गांव में एक किशोर थे। बाल्यावस्था में सिर से माता पिता का साया उठ गया तो यहाँ तपस्या में लीन हो गए। तब यहाँ वन्य जीवों की खोज में शिकारी आते रहते। तभी किसी एक दिन किसी शिकारी ने तीर चलाया जो धोखे से तपस्वी हरिवंश को जा लगा, जिसके बाद से तप स्थली पर ही उनकी समाधि बना दी गई। फिर इस समाधि स्थल के नजदीक ही ये अक्षय वट हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम उत्पन्न हो गया जो कि बहुत ही विशाल आकार में हो गया। यहाँ पर आने पर आपको ग्रीन टनल भी घूमने को मिलेगी। ग्रीन टनल यानी हरी भरी सुरंग। जब आप BKT से चंद्रिका माता मार्ग की तरफ प्रवेश करेंगे तो लगभग 6 किलोमीटर पर ये ग्रीन टनल मिलेगी। प्रकृति के इस अनोखे रूप को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पब्लिक वॉइस की टीम ने जब स्थानीय लोगों से जब इसके बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि चंद्रिका माता ने बाबा को ये वरदान दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर कई फिल्मी सितारे भी आते हैं और चंद्रिका माता के साथ साथ हरिवंश बाबा के आश्रम के साथ साथ बाबा के वट वृक्ष के भी दर्शन करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासन से थोड़ा नाराज हैं और सरकार पर इस ऐतिहासिक मंदिर पर ध्यान न देने की शिकायत करते हैं।